आज 6 फरवरी 2021 शाम 6 बजे तक हमारे देश में कुल 56,36,868 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी संख्या 52,66,175 है, जो कुल हेल्थ केयर वर्कर्स का जो साइज है उसका 54.7% हुआ है। हमने 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाना शुरू किया है और आज दिनांक तक हमने 3,70,693 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोविड का टीका लगाया है, जो उनके अब तक के डेटाबेस का 4.5% है। सो एज ऑन 6 फरवरी 2021 एट 6 PM वी हैव टोटल वैक्सीनेशंस 56,36,868, आउट ऑफ विच हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड आर 52,66,175, विच इज 54.7% ऑफ द टोटल कोहर्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर रजिस्टर्ड ऑन कोविन। सिंस वी हैव स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग फ्रंटलाइन वर्कर्स फ्रॉम 2 फरवरी, सो अ नंबर ऑफ 3,70,693 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैव ऑल्सो बीन कवर्ड, विच इज 4.5% ऑफ द करेंट डेटा बेस ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। जिन 13 राज्यों में हेल्थ केयर वर्कर्स का 60% से अधिक कवरेज हुआ है वो इस प्रकार है। आई वुड लाइक टू गिव फिगर्स ऑफ टॉप 13 स्टेट्स विच हैव डन मोर देन 60% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवरेज। दे आर बिहार 76.6%, 76.6%, मध्य प्रदेश 76.1%, 76.1%, त्रिपुरा 76%, 76%, उत्तराखंड 71.5%, 71.5%, मिजोरम 69.7%, 69.7%, उत्तर प्रदेश 69%, 69%, केरला 68.1%, 68.1%, उड़ीसा 67.6%, 67.6%, राजस्थान 67.3%, 67.3%, हिमाचल प्रदेश 66.8%, 66.8%, लक्षद्वीप 64.5%, 64.5%, अंडमान 62.9%, 62.9%, एंड छत्तीसगढ़ 60.5%, 60.5%। इसी प्रकार जिन 12 राज्यों ने अब तक अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के 40% से कम को वैक्सीनेट किया है वो इस प्रकार हैं। द 12 स्टेट्स विच हैव अ कवरेज ऑफ लेस देन 40% ऑफ देयर टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस आर असम 39.9%, दिल्ली 37.1%, पंजाब 33.7%, जम्मू एंड कश्मीर 33.6%, दादरा एंड नगर हवेली 31.9%, लद्दाख 31.7%, तमिलनाडु 28%, चंडीगढ़ 27.7%, मेघालय 21.7%, नागालैंड 21%, मणिपुर 17.4% एंड पुडुचेरी 13.6%। सो कीपिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टुडे रिव्यूड परफॉर्मेंस ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एंड एडवाइस स्टेट्स एंड यूटीज टू इम्प्रूव कवरेज, बेनिफिशियरी टर्नआउट पर सेशन एंड मिनिमाइज वैक्सीन वेस्टेज। And we have advised state UTs to complete first dose
administration to all healthcare workers by 20th of February and mop-up rounds by 25th of February. आज सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण की समीक्षा की और उन्हें परामर्श दिया कि कवरेज को बढ़ाया जाए, प्रति सेशन बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए और वैक्सीन की वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जाए। सभी राज्यों को यह भी परामर्श दिया गया है कि अब हेल्थ केयर वर्कर्स जो बचे हैं उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर 20 फरवरी तक पहला डोज लगा दिया जाए और जो बचे हुए हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए 25 फरवरी तक एक से अधिक मॉपअप राउंड्स किए जाए। कोविड वैक्सीनेशन डन टुडे बाय 6 PM in it was done in all 35 states and UTs and the 12 states with the highest vaccination are as follows. Aaj 35 rajyon mein aur UTs mein tikakaran ke satra ayojit kiye gaye aur jo 12 rajya jahan par sarvadhik tikakaran hue wo is prakar hain. All India figures are 2,20,019. These are provisional figures. 2,20,019 लोगों को सारे देश में टीका लगाया गया और ये शाम 6 बजे तक के प्रावधानिक आंकड़े हैं। जो 12 राज्य सर्वाधिक टीकाकरण आज किए हैं वो इस प्रकार हैं: उड़ीसा 28,525, महाराष्ट्र 28,101, गुजरात 23,060, कर्नाटका 22,945, छत्तीसगढ़ 16,603, आंध्र प्रदेश 14,246, बिहार 14,053, वेस्ट बंगाल 8,522, तेलंगाना 8,380, आसाम 8,313, जम्मू एंड कश्मीर 7,687 एंड तमिलनाडु 6,268। कोविड हॉस्पिटलाइजेशंस टिल डेट are 28. Out of these 28, 19 have been discharged after treatment and there have been 9 deaths. And if we see in terms of percentage against vaccination of total hospitalizations, it comes to 0.0005%, and in last 24 hours there has been no event of hospitalization. यदि हम अस्पताल में भर्ती होने वालों के आंकड़े देखें तो आज तक कुल 28 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 19 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और 9 की मृत्यु हुई है। और ये अस्पताल में भर्ती होना का जो प्रतिशत है कुल टीकाकरण के अनुपात में वो 0.0005% है और पिछले 24 घंटे में कोई अस्पताल में भर्ती होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। इफ़ यू सी द डेथ्स रिपोर्टेड सो फार, द टोटल डेथ्स रिपोर्टेड टिल डेट आर 22, विच कम्स टू 0.0004% ऑफ द टोटल वैक्सीनेशंस, एंड आउट ऑफ दीज 22 डेथ्स हॉस्पिटल डेथ्स आर 9 एंड आउटसाइड हॉस्पिटल डेथ्स आर 13 and no new death have reported in past 24 hours and none of these deaths have so far been causally linked with COVID-19 vaccination. आज दिनांक तक टीकाकरण के पश्चात कुल 22 मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जो 0.0004% है टीकाकरण के। इनमें से 9 की मृत्यु अस्पताल में हुई है और 13 की मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई नई मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है वो अब तक उनका संबंध COVID-19 वैक्सीनेशन से स्थापित नहीं हुआ है। टू समराइज,
a total of 56,36,868 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. as per the provisional reports. No case of serious or severe AFI or death attributable to vaccination till date, and no new case of hospitalization or death reported in past 24 hours. अंत में आज दिनांक तक शाम 6 बजे तक जो प्रावधानिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से 56,36,868 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और अब तक कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु टीकाकरण से जोड़ी नहीं गई है और पिछले 24 घंटे में कोई भी अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।